Infinity Dreams presents UPSC और MPSC वॉइस नोट्स भारतीय राज्य घटना। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग तीन। राज्य के संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों को छह समूहों में विभाजित किया गया है। छह समूह इस प्रकार हैं: एक, संख्या का अधिकार समान अधिकार अनुच्छेद 14 सेकंड 18, दो, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 सेकंड 22, तीन, शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 सेकंड 24 है, चार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 सेकंड 28, पाँच, शैक्षिकी और सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 सेकंड 30, छः, संवैधानिक उपायों का अधिकार अनुच्छेद 32। राज्य के संविधान में कुल 19 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। यदि संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण या कटौती सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जा सकती है और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। मौलिक अधिकारों का विवरण इस प्रकार है। अनुच्छेद 12, राज्य को इस पैराग्राफ में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: राज्य, राज्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य के विधानमंडल और सभी चार संगठनों द्वारा बनाया गया अधिकार है। अनुच्छेद 13, कोई भी कानून या आदेश जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसका पालन करता है वह अवैध होगा। अनुच्छेद 14, इस कानून के सभी अधिकार और सभी को कानून का समान संरक्षण। कानून का राज्य। अनुच्छेद 15, राज्य के किसी भी संबंधित मामलों में जाति, धर्म, पंथ, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति, पंथ, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 17, यह पूरी तरह से निषेध या इसके अपनाने के लिए निषिद्ध होगा। अनुच्छेद 18, किसी भी डिग्री का हकदार नहीं होगा। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी अन्य देश से किसी भी डिग्री को स्वीकार नहीं।